फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड मॉर्निंग. दिस इज़ कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स. आज हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECGC. ECGC क्या होता है वो सारी चीज़ हम देखेंगे. कोई भी एक्सपोर्टर अगर इंश्योरेंस लेके एक्सपोर्ट करता है तो अगर सामने वाली पार्टी उठ जाए या फिर सामने वाली कंट्री में कोई वॉर या सामने वाली कंट्री सीरिया जैसी हो से और कंट्री से ही पेमेंट ना आए या फिर कई केसों में अगर बैंक भी उठ जाए तो आपको पेमेंट ये इंश्योरेंस के तहत मिल जाता है. और ये ECGC कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉरपोरेशन है और इससे आपको पैसा मिल जाता है. लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना होता है और वो प्रीमियम भर के आप सारे रिस्क कवर कर सकते हो. ठीक है, इससे पहले मैं अपनी क्लासेस का और कंसल्टेंसी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मेरा नाम है कल्प शाह और मेरा मोबाइल नंबर है 8000002850. अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड या सीए रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या आप व्हाट्सअप कर सकते हो. ये हमारी सर्विस है कंपनी इनकॉर्पोरेशन, GST रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स की बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग हम आपको करके देंगे ताकि आपका मिनिमाइज ऑफ टैक्स हो जाए. और GST का भी हम आपको पूरा रिटर्न फाइलिंग और प्लानिंग करके देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले और आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े. इसके अलावा हमारी स्पेशलाइजेशन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स में. हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड निकालने में, अपेडा कोड निकालने या फिर कोई भी प्रकार का RCMC से निकालने में हम आपको सहायता कर सकते हैं. मर्चेंट एक्सपोर्टिंग में या बायर या सेलर ढूंढने में हम आपको हेल्प कर सकते हैं. इसके अलावा हम ROC की तरफ देखें, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जिसकी कंपनीज है तो कंपनी के रिटर्न फाइलिंग करने होते हैं. कंपनी को इनकॉर नई कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, पार्टनरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करना है, तो वो सारी सेवाएं हम आपको देते हैं. तो ये हमारी सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन है, शॉर्ट में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट. अगर आपको कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना हो, पेटेंट रजिस्टर कराना हो तो आप हमें कृपया कांटेक्ट कर सकते हो. नंबर है 8000002850. काफ़ी किफ़ायती दाम में हम आपको ये सेवाएं देते हैं. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की सेवाएं, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, आपको कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तो सारे टर्म्स कंडीशंस हम आपको ड्राफ्ट करके देंगे. इसके अलावा NCLT मैटर्स, GST लीगल मैटर्स, GST रिटर्न फाइलिंग, GST रजिस्ट्रेशन एज वेल एज इनकम टैक्स, एज सेड अर्लियर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर और सबसे बेहतरीन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का पालन करना, फेमा एक्ट. अगर आप बाहर से कोई पैसे लाते हो या भेजते हो तब आपको क्या उसकी कंप्लायंस करनी होगी, वो हम आपको सेवाएं देते हैं. इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट असेट्स, फिर मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, हाँ, और इसके अलावा बेहतरीन आपका सारा लीगल कंप्लायंस हम एक हेड रूप के अंडर कर सकते हैं. उसके तहत हमने प्रोविडेंट फंड, ESI और ग्रेजुटी नाम की जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कंप्लायंस है वो भी हमने कवर किया है. वो भी आपको बहुत ही पूरा पैकेज बना के देंगे. FSSI अगर आप फूड बिजनेस में हो तो सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आप हमसे करा सकते हो या अपेडा, RCMC वगैरह करा सकते हो. तो हम डायरेक्ट ही इंश्योरेंस पे आ जाते हैं. तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या है? ECGC ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन विच सिक्स टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय ऑफरिंग देम क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स. यानी कि ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है जिससे आपका कोई भी एक्सपोर्ट का पेमेंट रुकेगा नहीं, और रुक जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस आपने प्रीमियम पे किया होगा तो आपको पैसे दे देगी. तो उसमें कौन कौन सा रिस्क कवर होता है, देखो ये कोई भी इंश्योरेंस होता है वो IRDA के तहत कवर होता है. और IRDA के वेबसाइट पे ही एक पॉलिसी है, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी. उसमें लिखा है कमर्शियल रिस्क, यानी कि इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, यानी कि सामने वाला जो आपका बायर है जिस कंट्री में, से फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, केनिया, चाइना, यूरोप, अगर वो दिवालिया फूंकता है, नादार हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तब आपको पैसे मिलते हैं. पहला रिस्क ये कवर होता है. फिर दूसरा है कि वो दिवालिया नहीं फूका लेकिन उसने आपको पेमेंट नहीं किया, जानबूझ के यार आपसे चीटिंग की, फेल्योर ऑफ द बायर टू पे द इंश्योर्ड विद इन 2 मंथ्स आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. जिस दिन आपने ड्यू डेट तय की थी कि 90 दिन में पेमेंट देना है, 90 दिन के बाद दूसरे 2 महीने बीत गए तो आपको पेमेंट दे देगी ECGC. द ग्रॉस इनवॉइस ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, सॉरी गुड डिलीवर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय बायर, वो गुड्स उसने एक्सेप्ट किए हुए जरूरी है. फिर फेलियर और रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स, आपने गुड्स भेजा अफ्रीका, से फॉर एग्जाम्पल केनिया के मोम्बासा बंदर पे भेजा, मोम्बासा पोर्ट पे भेजा, लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोले मैंने मंगाया है कहीं था, और विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, आपने तो भेज दिया पर अगर वापस मंगाओ तो आपको ज़्यादा किराया लगे जाएगा, फ्रेट लग जाएगा. वेयर एनी सच
फेलियर और रिफ्यूजल इज नॉट एक्सक्यूज बाय एंड डज नॉट अराइज फ्रॉम और इन कनेक्शन विद एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योर्ड और फ्रॉम एनी अदर कॉज विद इन हिज कंट्रोल प्रोवाइडेड द इंश्योर्ड सेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय ECGC established to the satisfaction of ECGC through such means or document ECGC may require. यानी कि आपके तरफ से कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होना चाहिए. आपने गुड्स ए क्वालिटी का भेजा, उसने ए क्वालिटी का गुड मंगाया था और आपने बी क्वालिटी का भेजा, तो आपकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अलग बात है, तो वो ECGC में कवर नहीं होगा. लेकिन अगर आपने जो गुड्स मंगाया था ए क्वालिटी का और ए क्वालिटी का ही गुड्स भेजते तो कवर हो जाता है. या तो फिर आपका कोई दूसरा फेलियर नहीं होना चाहिए, आपने वारंटी दी है तो वारंटी का पालन करना पड़ेगा, वारंटी के टर्म्स का. फिर आगे आता है पॉलिटिकल रिस्क भी उसमें कवर हो जाता है, यानी कि वॉर वगैरह हो जाता है तो भी ECGC इसको कवर करके देती है. इसमें खास आपको ध्यान रखना है क्या एक्सक्लूड है, इसमें कौन से रिस्क कवर नहीं होते हैं. कोई भी टर्म्स पॉलिसी लेते समय अगर आप क्या नहीं कवर होता है वो समझ लोगे ना, तो क्या कवर होता है तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा. तो ECGC शैल नॉट बी लायबल टू द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस द इंश्योर्ड मे सफर द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर विच इज अ रिस्क अदर देन एनी ऑफ दो स्पेसिफिकली लिस्टेड अंडर रिस्क इंश्योर्ड. यानी कि ये दो जो रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क और कमर्शियल, वो दो ही रिस्क कवर करेंगे, उसके अलावा के कोई रिस्क कवर नहीं करेंगे. विदाउट लिमिटिंग द जेनरलिटी ऑफ द अफोरसेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. और ये जो नीचे के लॉस है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए गए. सबसे पहले डिफॉल्ट, इंसॉल्वेंसी और एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ऑफ एनी मरीन और अदर इंश्योरर ऑफ गुड्स और ऑफ एन ओपनिंग बैंक इन अ लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. आपने LC से गुड्स एक्सपोर्ट किया था और जो बैंक से आपने LC ओपन करवाई, से फॉर एग्जाम्पल SBI और SBI ही उठ गई, या फिर वहाँ की कोई बैंक है, बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ हांगकॉन्ग एंड शांघाई, HSBC है, HSBC उठ गई, हांगकॉन्ग में एक्सपोर्ट किया, या फिर HSBC तो पूरे वर्ल्ड में, तो आपको वो कवरेज नहीं होगा. या तो फिर मरीन इंश्योरर था, मरीन इंश्योरेंस कंपनी थी, जो बीच में कोई मरीन इंश्योरेंस कंपनी आई थी, तो मरीन इंश्योरेंस का लॉस इसमें कवर नहीं होता. उसकी मरीन इंश्योरेंस की अलग पॉलिसी है, जो वो डूबने का लॉस अलग होता है. अगर आपने यहाँ से केनिया भेजा और वो जहाज़ डूब गया तो वो मरीन इंश्योरेंस के तहत कवर होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के तहत कवर नहीं होता है. फिर दूसरा डिफॉल्ट जो कवर नहीं होता है, वो डिफॉल्ट, इंसॉल्वेंसी और एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ऑफ द कलेक्टिंग बैंक, द कैरियर ऑफ गुड्स और एनी अदर एजेंट ऑफ द इंश्योर्ड. आपका कोई कलेक्टिंग बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल SBI है, या फिर आपका करियर ऑफ गुड्स है, आप बहुत सारी शिपिंग कंपनी, शिपिंग करियर कंपनी ने ही आपसे कोई धोखा कर दिया, तो उसमें कवर नहीं होता. ये सिर्फ आपका बायर डिफॉल्ट होगा तब कवर होगा. फिर फेलियर और इनएबिलिटी ऑफ द बायर टू ऑब्टेन एनी अथॉरिटी नेसेसरी अंडर द रेगुलेशन ऑफ द बायर्स कंट्री इनफोर्स एट द डेट ऑफ शिपमेंट, इधर टू इम्पोर्ट द गुड्स और पे फॉर देम एज कॉन्ट्रैक्टेड एंड इनवॉइस. अगर बायर जो है, बायर के पास कोई लाइसेंसिंग नहीं है, या फिर बायर के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है, उस कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है, या तो फिर कोई अथॉरिटी नहीं है उस वजह से उसकी गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट करने का मना कर रही है या पेमेंट करने का मना कर रही है, तो भी वो कवर नहीं होगा. बायर पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए. आपको चेक करना है कि बायर के पास पूरी इंपोर्ट करने की अथॉरिटी तो है ना. आपसे फॉर एग्जांपल कोई हैजार्डस केमिकल भेज रहे हो और बायर के पास वो हैजार्डस केमिकल करने का उस कंट्री का इंपोर्ट का लाइसेंस ना हो. फिर आगे बात है फेलियर और रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड और पे फॉर द होल और एनी ऑफ इट ड्यू टू हिज क्लेम दैट. अब उसने ये क्लेम किया वो गुड्स इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा. कौन सी वजह से वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चलेगा, तो वो वजह है यहाँ पे बताई हुई. ही इज जस्टिफाइड इन विथहोल्डिंग पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और द ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू और एनी पार्ट देयर ऑफ बाय रीजन ऑफ एनी पेमेंट क्रेडिट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम एंड ऑट दैट. यानी कि आपने उसे 1,00,000 रुपये का गुड्स एक्सपोर्ट किया, लेकिन वो बोल रहा है कि वो आपसे ऑलरेडी 2,00,000 रुपये मांग रहा है, तो 2,00,000 के सामने उसने 1,00,000 सेट ऑफ कर दिए, तो फिर आप उससे इंश्योरेंस नहीं ले सकते. इस वजह से उसने आपका पेमेंट विदहोल्ड कर दिया. विदहोल्ड का मतलब रोक दिया. तो किस वजह से उसने पेमेंट रोका है? बाय रीजन ऑफ एनी पेमेंट क्रेडिट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम. यानी कि आपने क्रेडिट दी है या फिर कोई सेट ऑफ हो गया, आपको भी उसको देना था और आप अभी उससे मांग रहे हो, तो फिर वो सेट ऑफ हो गया. ही इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड हिज ऑब्लिगेशन टू पे फॉर एनी रीजन वॉट सो एवर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिस्प्यूट्स और एलिगेशन रिलेटिंग द क्वालिटी, क्वान्टिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी शेड्यूल,
of the goods supplied to him by the insured, whether or not such disputes related to past or current shipment. ये सबसे बड़ी बड़ा क्लॉज है जिसमें वो गफला कर सकता है. वो बोल रहा है कि आपने जो क्वालिटी मांगी थी वो क्वालिटी मैंने जो क्वालिटी मांगी थी वो भेजी ही नहीं. से फॉर एग्जाम्पल मोम्बासा से वो आपसे कोई किसी प्रकार की पैरासीटामोल की दवाइयाँ मंगा रहा है और आप इंडिया में हो, आप इंडिया की अहमदाबाद की पैरासीटामोल की फैक्ट्री लेके बैठे हो और पैरासीटामोल भेज, तो वो बोले मुझे इस प्रकार की पैरासीटामोल चाहिए ही नहीं थी, मुझे एक ग्रेड की पैरासीटामोल चाहिए थी और कॉन्ट्रैक्ट में भी एक ग्रेड की लिखा था और आपने सी ग्रेड की भेज दी, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. या फिर आपने क्वांटिटी कम भेजी, उसने भेजा कि उसने बोला कि 100 किलोग्राम से, या फिर अगर दवाइयों की नंबर ऑफ बॉक्सेस गिने तो 1000 बॉक्सेस भेजना, लेकिन आपने 900 बॉक्सेस ही भेजे, तो फिर क्वांटिटी आपने कम दी. या फिर स्पेसिफिकेशन, उसने कुछ स्पेसिफिकेशन दिया था. से फॉर एग्जांपल आप किसी प्रकार की चेयर, मॉडिफाइड चेयर बना के भेजे, उसने बोला इस प्रकार की इतनी लंबी इतनी ऊंची मुझे चेयर चाहिए, लेकिन आपने उस स्पेसिफिकेशन वाली चेयर नहीं बनाई, तो भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपका पेमेंट. या फिर डिलीवरी शेड्यूल, उसको चाहिए था वो उसका रॉ मटेरियल था. से फॉर एग्जाम्पल उसका आप प्लास्टिक के दाने एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो उस कंट्री में, से फॉर एग्जांपल मोम्बासा नैरोबी में प्लास्टिक की बाल्टी बना रहे हैं और उसके लिए आप दाने भेजने थे और दाने उसको जनवरी की 15 तारीख के चाहिए थे और आपने भेजे फरवरी की 15 तारीख, तो उसका जो पूरा शेड्यूल था वो मिसमैच हो गया, शेड्यूल खोरवा गया, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो वो आपके अब दाने का क्या काम के, 15 जनवरी की जगह 15 फरवरी भेजे तो वो दाने क्या काम के, जो उसको रॉ मटेरियल में से बाल दी तो 15 जनवरी को बनानी थी, तो इस वजह से भी वो आपका रीजंस रिजेक्ट हो गया, तो इसी जिसी में कवर्ड नहीं होता है अनलेस द, लेकिन अब आगे पढ़ना है, अनलेस द इंश्योर्ड हैज फॉर द अमाउंट ऑफ हिज लॉस ऑब्टेन अ फाइनल जजमेंट एनफोर्सिबल अगेंस्ट द बायर फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ इन द बायर्स कंट्री, प्रोवाइडेड हाउएवर दैट ईसीजीसी में एज इट्स सोल डिस्क्रिशन एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द एलिगेशंस और क्लेम और द डिस्प्यूट रेज बाय द बायर एज अफोर्सेड इज नॉट टेनेबल और जस्टिफाइड इन द लाइट ऑफ द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड बाय और मेड अवेलेबल टू. यानी कि क्या है कि आपने भेजी पैरासीटामोल एक क्वालिटी की और वो जानबूझ के पैसे ना देने के लिए बोल रहा है सी क्वालिटी है, और आपने उसकी कंट्री में मोम्बासा नैरोबी केनिया में केस किया और केस में आप जीत गए, तो कोर्ट ने बोला तो ईसीजीसी, फिर भी ईसीजीसी का एक डिस्क्रिशन रहेगा कि ईसीजीसी देखा गया क्या अब बायर का कोई जो दलील है वो मान्य है कि नहीं, वो ईसीजीसी सारा तय करके फिर आपको पेमेंट कर सकता है अगर वो झूठ में आपको फंसाना चाहता है, तो आप केस कर सकते हो उस कंट्री में, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसीलिए एक्सपोर्ट इज नॉट एज ईजी एज यू थिंक. सो आई रियली सजेस्ट सो दैट यू टेक प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम सम गुड प्रोफेशनल्स लाइक अस और सम एनी अदर विच इज़ इन योर प्रॉक्सिमिटी, बट आप प्रोफेशनल एडवाइस से ही एक्सपोर्ट करें या फिर आपके साथ धोखा या छलावा हो सकता है. फिर आगे क्या लिखा है, डिले इन और प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी पेमेंट फ्रॉम एनी ओवरसीज कंट्री ऑफ सम्स ड्यू अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अफेक्टेड बाय द इंश्योर्ड. यानी कि उस कंट्री में पेमेंट करना मना है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इंडिया से कोई भी बंदा किसी को भी कितने भी डॉलर नहीं भेज सकता, इस तरह से इस केनिया कंट्री में भी कुछ पेमेंट भेजना मना हो सकता है उसके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो भी आपको पेमेंट नहीं मिल सकता, तो इंश्योरेंस उसमें कवर नहीं होगा. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूजन कॉस्ट क्लॉज. फिर डिले इन प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनी पेमेंट फ्रॉम एनी ओवरसीज कंट्री ऑफ सम्स ड्यू अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अफेक्टेड बाय द इंश्योर्ड. फिर नॉन रिसिप्ट बाय द इंश्योर्ड फॉर एनी रीजन व्हाट्स एवर ऑफ इंश्योरेंस मनीज इन इंडियन रुपीज ड्यू अंडर एन इंश्योरेंस अफेक्टेड बाय द बायर अपॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट. यानी कि जो बायर है उसने आपको इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दिया, से फॉर एग्जाम्पल गुड्स बिगड़ गया बीच में टूट गया, तो वो बायर को बायर ने बायर की कंट्री में बायर ने इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन वो गुड्स तो आपका था, तो बायर की कंट्री में इंश्योरेंस कंपनी ने बायर को पैसे दिए, केनिया की इंश्योरेंस कंपनी ने केनिया के बायर को पैसे दे दिए, लेकिन उसने आपको नहीं दिए, तो फिर उसमें कुछ कवरेज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया है. फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योर्ड और द बायर टू हैव प्रॉपर और एडिक्वेट इंश्योरेंस अगेंस्ट अ रिस्क दैट इज नॉर्मली इंश्योर्ड विद कॉमर्शियल इंश्योरेंस. यानी कि आपने अंडर इंश्योरेंस किया, प्रॉपर इंश्योरेंस ले लिया, एनी कॉज व्हाट्सो एवर दैट इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द गुड्स, जो लॉस गुड्स का होने ही वाला था उसका आपको कवरेज नहीं मिलेगा. फिर प्रिवेंशन ऑफ
और डिले इन द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बायर्स कंट्री अनटिल द अनलेस द बायर हैज़ मेड एन इरिवोकेबल डिपॉजिट फॉर ट्रांसफर टू द इंश्योर्ड ऑफ अ सम इन द करेंसी ऑफ द बायर्स कंट्री इक्वल टू द अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सारे एक्सक्लूजन क्लॉज है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के, और लास्ट में एनी एडवर्स फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन अ फॉरेन करेंसी टू इंडियन रुपीज। आपने $1,00,000 का पेमेंट मंगवाया था, जब आपने एक्सपोर्ट किया था 70 रुपये भाव चल रहा था और आपको 70 लाख मिलने थे, लेकिन भाव हो गया 50 रुपया, तो आपको 50 लाख ही मिलेंगे, तो वो 20 लाख ECGC नहीं देगा। ठीक है, अब ECGC का लॉग इन कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे लॉगिन का अभी नहीं समझा रहे हैं, अभी हमने इसकी टर्म्स कंडीशंस पे ही ज़्यादा फोकस किया। ECGC लेते समय उसकी टर्म्स कंडीशंस समझनी जरूरी है, उसमें भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है, प्रपोजल एंड डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्स, शिपमेंट्स कवर्ड, शिपमेंट्स एक्सक्लूडेड, रिस्ट्रिक्टेड कवर, एक्सक्लूजन ऑफ शिपमेंट्स, विदड्रॉल ऑफ कवर, ड्यूटीज ऑफ द इंश्योर्ड, ऑब्लिगेशन ऑफ द इंश्योर्ड, आपकी क्या ड्यूटी रहेगी इस गुड्स के बारे में, वो भी आपको सारा समझ के ही इंश्योरेंस में आगे बढ़ना है। मंथली डिक्लेरेशन ऑफ शिपमेंट्स एंड द ओवरड्यू पेमेंट्स, आपने जितने मंथली जितना एक्सपोर्ट किया उसका मंथली डिक्लेरेशन आपको ECGC को बताना पड़ेगा, और जिस जिस बायर ने ओवरड्यू किया उसका भी आपको ECGC को इंटीमेट करना पड़ेगा, मिनिमम प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपको टर्म्स कंडीशन समझ के ही इंश्योरेंस लेना है। तो ये ECGC की जो ECGC क्या होता है और इसकी स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी क्या होती है मैंने आपको समझाया, और आप इससे ज़्यादा कुछ भी गाइडेंस लेना चाहे तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 800002850, मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए कल्प शाह CA क्लासेस को। थैंक यू दोस्तों।